आज मैं आपको ये वेस्ट कागज जो कि हमारे बच्चों की स्टडी से निकलते हैं या अखबार या कार्डबोर्ड जो भी हमारे वेस्ट हैं तो उनको भिगो के और कैसे हम उनके बर्तन बनाएंगे और बहुत ही यूजफुल और ऑर्गेनिक तरीके से जिनको हम यूज कर सकते हैं और बिल्कुल घर के रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इसके लिए हम बिल्कुल कागजों को छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे, काटने के बाद भिगो देंगे। जो हमने छोटे छोटे वेस्ट कागज या कार्डबोर्ड जो भी था हमारे पास वेस्ट अखबार थे उनको हमने पानी में भिगो दिया, या तो आप रात भर तक भिगो के रखते हैं या आप 2 घंटे भी, ये बहुत अच्छी तरह से भीग जाते हैं और बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाते हैं ताकि हमारी मिक्सी को ज्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। और उसके बाद हम मिक्सी में इसको बीट कर लेंगे। बीट करने के बाद ये लुगदी ऐसी बन जाएगी। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं मिक्स किया है, या आप ग्लू मिक्स कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी यूज कर सकते हैं ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। बाइंड होंगे तभी हमारे बर्तन बहुत ही अच्छे बनेंगे ताकि हम उनको यूज में ले सकें। हमारे पास ये कागज की लुगदी तैयार हो गई है। इसमें हम ऐड करेंगे, अगर बिल्कुल आप ऑर्गेनिक तरीके से बनाना चाहते हैं, जैसे हमारे बर्तन है कि हम उसमें कुछ रखें फल फ्रूट या सूखे मेवे, तो उसमें आप मुल्तानी मिट्टी का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैं वैसे मुल्तानी मिट्टी का ही यूज करूँगी। आप इसमें 1 चम्मच ग्लू का भी डाल सकते हैं। अगर आप छोटा बर्तन बनाना चाहें तो 1 चम्मच डाल सकते हैं, और मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का यूज करूँगी। से ये जो हमारा लुगदी बनी हुई है हमारे पास कागजों की, ये स्टिक्की से बन जाएंगे और एक दूसरे को बाइंड कर देंगे ताकि हमारा जो बर्तन है वो टूटे नहीं। अगर आप इसमें 1 चम्मच ग्लू का भी डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल है। आप जैसा भी बर्तन बनाना चाहें वैसा आप उसका सेंचा ले सकते हैं। जैसे मैंने ये टोकरी ली है, अगर मैं छोटा बनाना चाहूँ तो मैं छोटा टोकरी या कोई डोंगा सा ले सकते हैं। ये मैंने पोट लिया है, इससे हमारा जो बर्तन बनेगा वो काफी बड़ा बन जाएगा। इस तरह से आप पॉलिथीन लगा दें। पहले जो टाइम था उसमें औरतें पॉलिथीन की बजाय कपड़ा लगा देती थी, कपड़े में भी ये निकल जाता है पर पॉलिथीन से बिल्कुल इजीली निकल जाता है। लुगदी वाला मटेरियल बना हुआ है ऐसे, तो ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाता है। इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने, चिड़िया, स्पैरो, पैरट, एलिफेंट, जो भी आप बनाना चाहें वो बड़ी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को कागज की जो लुगदी है उसने ये मुल्तानी मिट्टी की वजह से बिल्कुल ही एक दूसरे को बाइंड कर लिया है और एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। तो आप जो भी खिलौना बनाना चाहें बच्चों के लिए तो आप इससे बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे खिलौने बनते हैं। मैंने वो खिलौने भी बनाए हैं बच्चों के लिए। हम इसको धूप में रख देंगे और तकरीबन 1 दिन की धूप लगने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से सूख जाएगा। उसके बाद की कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद हमने इस कागज की लुगदी का क्या करना है, जो हमारा एक बर्तन तैयार हो गया। आप अगर बड़ा बर्तन बनाना चाहें तो आप बड़ा भी बना सकते हैं, उस हिसाब से आप बड़ा बर्तन ले लें और बड़े बर्तन के ऊपर इसको रख दें जो हमारी लुगदी तैयार है। धूप अच्छी थी तो इसलिए 1 दिन में ये सूख के तैयार हो गया हमारी जो ये
हमने बर्तन बनाया है। अब जो इसके रफ टफ से किनारे हैं उन पे हम थोड़ा थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए इसको सफाई सी कर देंगे, आखिरी टच है, तो उसके बाद हम धूप में रखेंगे, उसके बाद हम पेंट करेंगे। अब थोड़ी सी मोटी मोटी बाउंड्री बनाएं ताकि जब हम पेंट करें तो इसका लुक बहुत अच्छा है। ये जो कागज के पोर्ट बनाए हैं हमने, उन पे मैंने ये जो कलई होती है दीवारों पे करते हैं, चूना जिसे चूना बोलते हैं, वो मैंने लिया है, इसको मैंने छान लिया, छान के अब मैं इनको बर्तनों पे कर रही हूँ। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा एक स्रोत है, तो इसलिए आप अपने बर्तनों पे कुछ और ना लगा के इसको चूने का ज़्यादा यूज़ करें, ताकि जो हमारे ये बर्तन है एक बार वाइट हो जाए, वाइट पे फिर हम पेंट करेंगे। ये जो गिलास बना हुआ है, गिलास पे मैं वाइट चूना फेर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो वेस्ट कागज से, वेस्ट कार्डबोर्ड से जो भी मैंने बर्तन बनाए हैं वो ऑलमोस्ट मैंने तैयार कर लिए हैं। आज मैं इन पे पेंटिंग करूँगी, हल्की हल्की पेंट करूँगी। उसके लिए मैंने या तो नैरोलैक के पेंट यूज़ किए हैं या फिर मैं एक्रिकल पेंट यूज़ करूँगी कि जिसमें इसका अच्छा लुक आए। एक्रिकल पेंट से मैं पेंटिंग करूँगी। तो इसमें मैंने वेस्ट कागज़ से मैंने बर्तन भी बनाए हैं, साथ में ये शोपीस स्पैरो बनाई है, जैसे बत्तख बनाई है, और ये कैट बनाई है, मास्क है इस तरह से। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसको पेंटिंग करके अच्छा लुक दे दें। ये जो कागज के बर्तन बने हुए हैं वेस्ट कागज के, वो बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हैं। अब मैं बिल्कुल लास्ट में आपको दिखाती हूँ जो मैंने पेंट कर दिए थे, और उसके बाद ऐसे अगर आप इनको ढक के रखते हैं तो आप चिक्कू की टाइप बना सकते हैं, इस कुछ भी आप सामान रख सकते हैं इसमें, चम्मच है, स्पैरो है, और मैंने बच्चों के लिए इस तरह से ये पोट भी बनाए हैं साथ में। इसमें मैं वेस्ट बिल्कुल बोतल थी उसमें को वेस्ट को मैंने ये लुक दी से मैंने ये तैयार किया, और इस तरह आप पेंट करके बिल्कुल वेस्ट को ख़ास तौर पे दिखा रही हूँ। ये ग्लोब था बच्चों का, मेरे यहाँ ग्लोब बिल्कुल टूट गया था, उसकी बिल्कुल ऊपरली जो नक्शा बना हुआ था वर्ड का वो बिल्कुल वेस्ट हो गया था, उस वेस्ट को मैंने इस तरह से यूज़ किया। अब मैं इसमें पोट प्लांट लगा दूंगी, और इस तरह से मैंने ये भी सारा मैंने लुगदी का तैयार किया है, जो हमारी लुगदी बनी है। ये मास्क सब मैंने बच्चों के लिए तैयार किया है। ये बत्तख, इसको मैंने बिल्कुल कलर, नया कलर दे दिया है बच्चों। ये मैंने जो रियल के हमारे डिब्बे होते हैं वेस्ट, जिनको हम वेस्ट फेंक देते हैं, उसका मैंने इस तरह से यूज़ किया है। अब मैं इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से पोट लगा, ये प्लांट लगा सकती हूँ। अब देखिए ये जो कागज, देखने में कागज बिल्कुल वेस्ट कागज, बट जब ये बर्तन बन जाते हैं तो इतने मजबूत। ये मेरा कई सालों का पुराना बर्तन है, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से यूज़ करती हूँ, जिसमें मैं बहुत सामान डाल लेती हूँ, इवन कि आप मिठाई भी, स्वीट्स डाल सकते हैं, फ्रूट डाल सकते हैं, और भी जो भी सामान आपके पास सूखा है, सूखे मेवे डाल सकते हैं, ऐसा सामान डाल के आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने अब की बार मैंने ये बिल्कुल गिफ्ट आइटम बनाई है, दिवाली पे मैं इनको एज ए गिफ्ट यूज़ करूँगी। इसमें मिठाई भर के, स्वीट्स भर के, या चॉकलेट वगैरह भर के मैं अपने जानने वालों को दूंगी। ये गिलास है, इसमें आप जैसे मर्जी अपने बच्चों को कुछ भी दें जो उनको पसंद है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आप लाइक व शेयर जरूर कर दें।
ताकि दूसरों को भी ये लगे कि हाँ इस वेस्ट को हमें यूज करना चाहिए। और इन पे अगर मैंने वार्निश भी फेर दी है, वार्निश फेरने से ये हुआ कि इनमें शाइनिंग आ गई, शाइनिंग आने से ये है कि ये काफी साल तक बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। जैसे ये बर्तन है, तो आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर आऊंगी, उसके लिए थैंक्स।